झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जनपद बहराइच के कैसरगंज कोल्ड स्टोर पर मैं मौजूद हूं और आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई कार्यकर्ताओं की, और हमारे बीच में सूबे के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री मुकुल बिहारी वर्मा जी भी मौजूद हैं, व लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री जो है महेंद्र जी भी हमारे बीच में मौजूद है। डॉक्टर साहब, तो सर आपका स्वागत है इस कैसरगंज की पावन धरती पर, मैं आपका स्वागत करता हूं सर। और क्या कहना चाहेंगे आज जो बैठक, उत्तर प्रदेश में सभी विधानसभाओं की बैठक चल रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 2022 के लिए तैयारी कर रहा है। यहाँ पर बूथ समितियों के सत्यापन के दृष्टि से आज कार्यकर्ता आए थे, जिसमें हमारे मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, मंडल के महामंत्री, शक्ति केंद्र और सेक्टर के कार्यकर्ता, संयोजक प्रभारी और बूथ सत्यापन अधिकारियों की बैठक थी। पूरी योजना रचना बनाई गई है, उत्साह और उमंग का वातावरण है। हर कार्यकर्ता मोदी और योगी के कार्यों से प्रभावित है और सबको लगता है जैसे हम लोगों ने 2014 जीता, 2017 जीता, 2019 का चुनाव जीता, उपचुनाव जीता, पंचायत चुनाव जीता, वैसे 2022 का 350 के पार सीटें जीतेंगे और फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार। सर चलते चलते सवाल, कुछ नेता तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से कुछ राष्ट्रद्रोही ताकतें लगी हुई हैं, जो हमेशा से आजादी से लेकर के अभी तक अगर उनका इतिहास आप देखेंगे तो भारत का कम विदेशियों का ज्यादा गुणगान करते हैं। लेकिन अब भारत जाग चुका है, पूरी दुनिया के अंदर वंदे मातरम गाया जा रहा है, भारत माता का जयकारा लग रहा है। नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया के अंदर तिरंगा लहराया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों को जनता जनार्दन जवाब देगी और 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में फिर से कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले बूथ विजय अभियान का कार्यक्रम विधानसभा 288 को लेकर के कैसरगंज में स्थापित कोल्ड स्टोर की तस्वीरों को आप देख रहे हैं सामने। यहां पर लोगों का आना शुरू हो चुका है और आज विशाल बैठक करके कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे जल शक्ति कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह। आप देख रहे हैं दोस्तों तस्वीरों में इस वक्त कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा का वाहन पहुंच चुका है और सामने तस्वीरों में आप देख रहे हैं कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा वहां से उतर चुके, साथ में आप देख रहे हैं जल शक्ति कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह, डॉक्टर महेंद्र सिंह की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। ये सभी लोग अब सीधे पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल पर, साथ में अजय वर्मा प्रधान भी चल रहे हैं, संजय राव, अरुण श्रीवास्तव जो भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता है, और पवन वर्मा मंडल अध्यक्ष भाजपा जरवन की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। सुरमर शुक्ला जो भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता हैं, आप प्रदीप जायसवाल की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। आज यहां पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे सूबे के जल शक्ति कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह। सामने तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं जितेंद्र की और नवनीत कौशल, सौरभ कसौधन की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने जल शक्ति कैबिनेट मंत्री को माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया। टेकरीवाल जो भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष है बहराइच, उनका भी यहाँ पर माल्यार्पण किया गया और अक्षयवर लाल गौर जो सांसद हैं बहराइच से, उनका भी माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। सामने तस्वीरों में पवन वर्मा की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, उन्होंने जल शक्ति कैबिनेट मंत्री महेंद्र पाल सिंह का स्वागत अभिनंदन किया, संजय राव ने भी किया। सामने तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रमुख पूर्व जरवाल मनीष प्रताप सिंह ने भी माल्यार्पण किया। प्रमुख वर्तमान दीपेंद्र वर्मा की तस्वीरों को आप देख रहे हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं ये सभी तस्वीरें कैसरगंज कोल्ड स्टोर पर आयोजित भाजपा कार्यकर्ता बैठक की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। यहाँ पर बड़ी सी माला लेकर के गौरव वर्मा भारतीय जनता पार्टी विधानसभा संयोजक के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। अध्यक्षता कर रहे आदरणीय यशस्वी जिला अध्यक्ष श्यामकरण टेकरीवाल जी और यशस्वी सांसद, सबने अपना प्रेम आशीर्वाद और स्नेह देकर पार्टी के जिले के सभी जिला पदाधिकारी, निवर्तमान जिला पदाधिकारी और सामने उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो 2009 रहा हो, चाहे वो 2012 रहा हो, चाहे वो 2017 रहा हो और चाहे वो 2000 देखा था, उसको हम लोग खुद करने में लगे हैं। यह प्रत्येक कार्यकर्ता
को भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान दिया है। आने वाले दिनों में भी यह जो 2022 का जो चुनाव है उसको आप हर हालत में आपको जीत करके एक बार पुनः प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और जो लोग पक्ष की पार्टियां जो उनको भी आप ध्वस्त करेंगे। इसी आखिरकार अनुरोध के साथ मैं अपनी तरफ से आप सभी का कथा बनता हार्दिक सबसे चलकर भी यहाँ के कार्यक्रम आपके सम्मिलित हुए। 2022 का चुनाव पार्टी एक पार्टी के द्वारा किए गए काम और दूसरे पार्टी की व्यवस्था और रही बात व्यवस्था की, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्टी ने कार्यक्रम प्रारंभ किया है, शक्ति केंद्र प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, इन सबके साथ ये बैठना हो रहा है। इस बैठने में अभी बूथ सत्यापन की रचना होने जा रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी सेक्टर प्रमुखों की रचना करने जा रहे हैं और सेक्टर से शुरू हुई ये रचना 15 पद तक जारी है और केवल रचना जानिए उन क्षेत्रों में कार्यक्रम होगा, कार्यक्रमों में वरिष्ठ से वरिष्ठ कार्यकर्ता जाएगा। आप सबको जो कार्य योजना बन रही है अब इस कार्य योजना के बल पर ही भाजपा, जब कभी कोई भाजपा के कार्यकर्ता से पूछते हैं पार्टी के साथ आगे बढ़ेगी विकास पर और अपने पदाधिकारियों के बल पर। इसी रचना के लिए आज महेंद्र सिंह जी हैं। मैं आपसे बाधा का बहुत सारे कार्यक्रमों में देखा है लेकिन यहाँ का कार्यकर्ता कैसा है और लड़ करके विजय प्राप्त करता है, मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम को दिया है, इसका नाम है बूथ विजय अभियान। मेरा सौभाग्य है कि मुझको कैसे से विधानसभा के लिए के साथ बैठ करके योजना इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर हमारे इस जिले के अध्यक्ष और हमारे के साथ साथ लोगों ने बहुत काम किया है। ऐसे आदरणीय श्याम केजरीवाल जी जो अभी उद्बोधन दे रहे थे, वर्षों से संगठन का काम कर रहे हैं, करते करते आप सब लोगों ने विधायक बना दिया और भारतीय जनता पार्टी ने इनको मंत्री बना दिया और मंत्री बन करके इन्होंने उत्तर प्रदेश के एक अलग छाप छोड़ने का काम किया है। ऐसे आदरणीय मुकुल बिहारी वर्मा जी, अक्षय भाई जी को मैं देखता हूँ तो उस नाम तो सबसे अलग अलग होती है। शालीनता, सौम्यता, सहजता, इन सबकी प्रतिमूर्ति अगर देखना हो तो हमारे